मुझे ये बताएं कि कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने आज के दिन कुछ जो कमाया और उन्हें रोजगार मिला, कोई है बंदा? मुझे ना कल मिला है ना आज मिला है, और कल की उम्मीद है हो सकता है मिल जाए। आपको मिला नहीं जी? आपको मिला जी काम? नहीं। आपको सर? नहीं अभी तक तो नहीं मिला, 8 बजे का आया। इतने भी यादगार खड़े हैं, सुबह रही खड़े हैं, फिर सारिया जेबा बिल्कुल खाली, टुकर खान जो के पैसे गोली है। आप सुन रहे हैं ये लाहौर के हालात है। फाज शहबाज साहब, तब्दीली तो आम आवाम के लिए यही है ना कि आम आवाम फैसिलिटेट होना शुरू हो जाए, उन गरीबों के जो मसाइल हैं वो हल हों। आवाम ने भी तब्दीली के नाम पर इसीलिए बना कहा कि दीवार के साथ आपको बेशुमार लोग नजर आएंगे जो इसी चक्कर में शायद उनकी दिहाड़ी लग जाए, उनमें से बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे वो हैं जो नशे के आदि अफराद हैं और बेपनाह लोग इधर इस तरह बैठते हैं। ये आप वॉल्यूम देखें, ये आप दादा साहब के एक नुक्कड़ पे खड़े हैं इस वक्त और उसके बिल्कुल सामने एक थोड़ी सी जगह का विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, फ्यू मीटर्स पे आप घूम फिर के ये दिखा रहे हैं। गुर्बत का इंडिकेटर लाहौर में दिखाना बड़ा मुश्किल है, और आप जब पूरे लाहौर का सर्वे करेंगे तो वो तो पता नहीं कितने साल आपको चाहिए पूरे लाहौर में से एग्जैक्ट तादाद गुर्बत की निकालने के लिए, बड़ा आपको लंबी अल्टीमेटली फास है बासब। ये आप सिर्फ एक एक इसकी दीवार की बात कर रहे हैं, इसके गिर्दो नवाह में, दाता दरबार के गिर्दो नवाह में जहां पर भी चले जाएं तो अल्टीमेटली इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं जो के लाचार हैं, जिनके बारे में सिर्फ यहां तक सोचा गया कि कैंप लगा दिया गया, 200 बंदे मैक्सिमम वहां पर फैसिलिटेट हो जाएं। वैसे तो अभी 50 बंदों से ज्यादा फैसिलिटेट नहीं करते, लेकिन मुस्तकबिल में है कि जी 200 फैसिलिटेट हो जाएंगे, तो ये तो एक नुक्कर पे 200 से ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं, तो बाकी लोगों का क्या करेंगे? ये सिर्फ पनाहगाह से काम नहीं चलेगा, ये एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे तमाम लोगों को रोजगार मिले, तमाम लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद हो और वो हुकूमत से खुश नजर आए। तब्दीली आम आदमी के लिए क्या है? अभी तक आम आदमी को इसका कोई फल नहीं मिल सका। ये देखिए चाचा बैठे हैं। सलाम अलैकुम चाचा, क्या हाल है आपके? से ठीक है आपकी मिजाज? ठीक है। क्या नाम है आपका? अजल। राजा अजल। अजल अजल कहाँ से आए आप? फेरान से। तो इधर आप सोते इधर ही हैं? सोते इधर। कब से इधर हैं आप? अभी दोबारा आया, चक्कर लगा है इस्लामाबाद। कितने दिन बाद आते हैं आप इधर लाहौर? फिर रोड बना रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इधर इधर ही सो जाते हैं फिर? खाना शाना कहाँ से खाते हैं? खाना होटल से, कभी इससे कभी होटल से खाते हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? सेहत आपकी कैसी? आप बुखार ही है जी। ये आप देख सकते हैं फुटपाथ के साथ साथ ये यहाँ की सूरत हाल है। सलाम अलैकुम, यहाँ क्या हाल है आपके जी? ठीक ठाक। क्या खा रहे हैं आप? ये गुड़ गाजर खा रहे हैं। मजदूरी करते हैं आप? क्या करते हैं जी? सर मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं मजदूरी में? सर जो लाभ जो भी कर लेते। आज मिली सुबह से आपको? नहीं जी। और फिर कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा दाता लंगर खा के। सोते किधर हैं? यहाँ पे मुसाफिर खाने में। मुसाफिर खाने के बाहर? नहीं, ये तो अंदर जाने नहीं देते। अभी वो बना नहीं, बन रहा है। ठीक है, 2 महीने और लगेंगे इस प्रोजेक्ट के। शेख साहब ने आज बताया अहले लाहौर को कि 2 महीने इसको और लगेंगे। असल में तो हुकूमती अदारों की नाअहली से पर्दा उठाया हमने कि आपने ये प्रोजेक्ट जो एक प्रोजेक्ट जो तमाम लोगों के लिए है, एक जो आपने खसूसी तौर पर सिर्फ इन लोगों के लिए प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाया है वो भी बरवक्त मुकम्मल नहीं कर सके। हालांकि इधर लोगों ने अपना सेबे की बोरियाँ जो हैं और दूसरी नैलून की बोरियाँ जो हैं प्लास्टिक वाली, वो सारी नीचे बिछा कर लोग जो हैं वो इधर बैठते हैं और पनाह के बाहर वो पनाह लिए बैठे हैं, और बहुत बड़ी यहाँ तादाद है और सारे के सारे मजदूर हैं। ये एक कोना है दादा साहब का, ये सारे अतराफ आप फिरना शुरू कर दें तो इन तरह के हज़ारों लोग इधर बसते हैं और बहुत बड़ी उनकी तादाद है जिनको एड्रेस होना है, सोसाइटी को इधर रोल प्ले करना है, बहुत सारे लोगों को प्ले करना है। व्यूअर्स जो हमारे देखने वाले वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, इनमें से वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को वो फाल शहरी बना सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों का वो इलाज करवा सकते हैं। सोसाइटी जब तक रोल प्ले नहीं करेगी, हुकूमत चले आप उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, उस पर सवालिया निशान रखें, लेकिन सोसाइटी का भी उतना ही रोल है। बेहिसी जो है सोसाइटी की जानिब से, वो जब अपने नुक्ता अरूज को पहुंच जाए तो इस तरह के बेशुमार चेहरे आपको लाहौर में नज़र आएंगे जो बड़े अजनबी लगते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत है, जिनको बड़े खूबसूरती से संभालने की ज़रूरत है, और इनको फाल शहरी बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये सारे के सारे जो हैं वो डार्कनेस में हैं
اور اس تاریکی میں چلے گئے ہیں جو تاریکی مرمری محلات کے مکینوں کو شاید نظر نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ نظر آتی دکھائی دیتی ہے. یہ یہاں کی صورتحال ہے. شیخ زین میرے ساتھ موجود ہیں اور بے پناہ ایسے چہرے موجود ہیں جو سارے کے سارے کردار ہیں اس سوسائٹی کی. بھوک کے افلاس کے یہ کردار ہیں سارے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کرداروں پر سے نہ کوئی پردہ اٹھانے کو تیار ہے, نہ ان کرداروں کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے اور نہ ان کرداروں کو سنوارنے کو کوئی تیار ہے. بڑے عرصے سے انہوں نے شاید بالوں کو کنگھی نہیں کیا, بڑے عرصے سے یہ لوگ پراپر نہائے نہیں ہوں گے, پراپر شیمپو یوز نہیں کیے ہوں گے ان لوگوں نے, اور وہ خوشبوئیں جو ہمارے ویورس ہزاروں میں اڑا دیتے ہیں ایک پل میں, ان سے کوسوں دور ہیں. لہٰذا یہ وہ طبقہ ہے جو غربت سے بلو پاورٹی, خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کی جو انکم ہے وہ اتنی محدود ہے کہ اس میں یہ رکشہ تک افورڈ نہیں کر پاتے. ان سے میں پوچھنا شروع کر دوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم رکشے میں کب سفر کیا, تو یہ چنگچی رکشہ تو بتا سکتے ہیں 10 روپے والا, جو 250-300 رکشہ لیتا ہے وہ نہیں بتا سکتے. نئی اعتبار تو میں پوچھ دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے لاسٹ ٹائم رکشے میں سفر کب کیا. یہ یہاں کے حالات ہیں. فیسلٹیز, باقی چیزوں کو انجوائے کرنا, امارات کو انجوائے کرنا, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ وہ کردار ہیں ہمارے, معصوم ترین لوگ ہیں معاشرے کے, اور ان کرداروں میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے, ان کرداروں کو سنوارنے کی ضرورت ہے, ان کی اشک شوئی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو برسر روزگار لانے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کریٹ کر سکتی ہے. انقلاب ہمیشہ سوسائٹی سے اٹھتے ہیں. سوسائٹی اگر چاہے تو یہ سارے لوگ برسر روزگار بھی آ سکتے ہیں. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس دنیا میں, اس ملک میں, جو سارے کے سارے ان کو سنوار سکتے ہیں. یہ تو صرف آج شہباز صاحب داتا دربار کے حالات ہیں نا. لاہور کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے, اس کے بالکل ساتھ پیر مکی دربار, وہاں پہ دیکھ لیں ایسی صورتحال ہے. ریلوے کیا نام ہے آپ کا؟ عمران. اور کہاں سے آئے آپ؟ میں کراچی سے. کراچی سے آئے, کب سے ادھر ہیں؟ کراچی سے یہاں پر بڑا بھائی شادی کے لیے آیا تھا, اب وہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اب دوسرا کیا ہوا اسے؟ وہ رش کے اسکیڈن ہو گیا. رش کے ساتھ صبح ڈپٹی کے لیے جا رہا تھا, وہ رش کے والے نے بھاگ گیا مار کے. نہیں وہ ادھر ہے, اس کے خلاف پولیس کھڑی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ رکشے کے ساتھ پولیس کھڑی ہے, رکشے والے کے ساتھ؟ ہاں کیوں نہیں کھڑی, مجھے نہیں مار سکتے بعد میں. تو پھر آپ ادھر گزارا کرتے ہیں؟ ہاں مزدوری کرتے ہیں آپ؟ ہاں اب تک مزدوری کر رہے تھے. اب میرا بڑا دوسرا بھائی ہے, اس کے بعد اس نے بھی شادی کرنی ہے اور میں نے بھی شادی کرنی ہے. ہمیں ڈر ہے ہمیں لاہور میں کوئی مار سکتے, اس لیے کراچی واپس جانا چاہتے. وہ ڈیلر سے پیسے واپس چاہیے. شادی کے بعد ہمیں بھی کوئی مار سکتے لاہور میں, اس لیے کراچی آ گاؤں میں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا جی؟ ندیم. ندیم آپ کہاں سے آئے ہیں؟ دیپال پور ضلع اوکاڑا. تو خیریت سے آپ ادھر لاہور کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں. تو اس سے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئی, مزدوری ملنا شروع ہوئی, کوئی حالات بہتری کی طرف گئے؟ عمران خان کی حکومت آئی ہے, کوئی مزدوری نہیں, کام ہے ہی نہیں, کاروبار ہے ہی نہیں, بجلی نہیں ہے, گاڑیوں پہ سامان پہ ٹیکس لگ گیا, گاڑیاں کراچی سے آ نہیں رہی, سارے مزدور فارغ ہیں. ایک جنا لینے آتا ہے 10-10-20-20 آدمی, اس کو کہتے ہیں کہ میں چلوں گا میں چلوں گا. تو اس ساری صورت حال میں پھر آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ داتا صاحب زندہ باد, روٹی وغیرہ ادھر سے کھا لیتے ہیں. سوتے کدھر ہیں؟ جہاں کہیں جگہ ملے. لاہور میں سب سے بڑا جو ہے پرابلم, سب سے بڑا پرابلم وہ غربت سے لڑنا ہے. فاطمہ صاحب, اور جو خاندان غربت سے نہیں لڑ پاتے ان کا نام و نشان مٹ جاتا. ایسا ہی ہے فاطمہ صاحب. ایک چیز دیکھیں کہ تمام لوگ ولنگ ہیں لیبر کے لیے, تمام لوگ کام کرنے کے لیے ولنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹی نہیں ہے, یا ہم اتنی اپرچونیٹی پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, یا ہم نے محدود کر دی ہیں چیزوں کو کہ ان سب کو ایڈجسٹ کیا جائے. یہی اگر ملک میں کام کا پہیہ چل رہا ہو تو الٹیمیٹلی یہ سارے کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوں. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں روزگار کمانے کے لیے, وہ اس لاہور شہر میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر اپرچونیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہاں پر کام رک جائے گا تو الٹیمیٹلی یہ تو انڈسٹری تو سفر کرے گی, یہ سارے بھی سفر کریں گے اور سفر کر رہے ہیں کہ نہ رہائش ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, اور یہاں پر بیٹھے ہیں صرف ایک آس میں کہ کوئی آئے گا آ کر ان کو کوئی کام دے گا اور یہ اپنا روزگار کمائیں گے. کیسے کریں گے جب سفر کے کرایے بھی بڑھ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھ لینا ملتان, جب ملتان سے ادھر آتے 850 روپے کرایہ ہے ملتان کا آنے, ملتان سے لاہور آنے کا ہے. غریب عوام کیسے کرایہ کرے؟ یہ جب کی تبدیلی عوام آئی ہے نا, تبدیلی جب کی تبدیلی سرکار آئی ہے, یہ سب چیز بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ دیکھ لیں گیس جو ہے, گیس کی قیمت بڑھ گئی, بجلیوں کے ریٹ بڑھ گئے,
गैस नहीं आ रही, ठीक है जी। उसके बाद अलावा जो है बसों के किराए बढ़ते जा रहे हैं, हर शहर में बढ़ती जा रही है। हाँ जी, आपका नाम क्या? मोहतरम राणा इशफाक, मेरा नाम है, डिफेंस से बिलोंग करता हूँ लाहौर से। मोहतरम मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि आपको गरीब किसने किया है? गरीब तो अभी है, मुझे बताएं पहले, मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। गरीब 35 साल से सुबह को कौन लूट रहा है? ये नून लीग, इन्होंने आपका खून पसीने की जो कमाई है वहाँ जहाँ से लूटा है बाहर ले गए हैं। अपने बच्चों के लिए उन्होंने महल बनाए हैं, अपने कारोबार किए हैं, हर मुल्क में इनका कारोबार है। वो इंडिया में इनकी स्टील मिल है, मुख्तलिफ कारोबार है। वो हमारे बच्चे मारता है, वो हम पे बम गिराता है, ठीक है। जे उनको चोरी अवाम से अवाम को धोखा दे के बगैर अपना डॉक्यूमेंट्स के उनको अपनी निवासी की शादी में बुलाता है, ठीक है। और उनका हाजर सर्विस बंदा नेवी का कैप्टन पकड़ा हुआ है इधर, इस बंदे ने उस केस को कमज़ोर करने की अदालत में हमें जाना नहीं मानता था, उनको उधर उनका आंसर देना, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड ऑफिसर था, इधर पकड़ा गया था। ये अब क्या करें जी? इनको बताना चाहता हूँ कि जी हमें पता है इन बातों का? नहीं, इनको पता पता है, पूछ ले। अगर ये कहे तो वे अपना जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं ना कि किराया इतना हो गया है, ये फर्स्ट टाइम महंगा नहीं हुआ? मैं खुद किराया बढ़ गया तो मैं खुद हाईएस पे क्लिनिक करता रही हूँ, मैं खुद मुल्तान से कराची भी जाता रहा हूँ। रीजन ये है कि आपका घर खाली है, आपके घर से इन्होंने लूट के सब बाहर फेंका हुआ है। एक घर में डकैती हो जाए तो उसको संभालने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। उनको आपने 35 साल दिए हैं तो आप कहते हैं कि एक साल में सब कुछ चेंज हो जाए? लेकिन ये जो पाकिस्तान है नी, इन हर आदमी चोर है, लेकिन तरीका वारदात अलहदा अलहदा है, इन्हों का तरीका वारदात है। पता एक मिनट जी, सुनो सुनो मेरे सर, एक जेल ना बनाता, ये चोर होता तो जेल ना बनाता। बाहर कल सुन लो सर, तुम एक गल कर रहे हो ना, तुम मुल्की लेवल से अगर मीडिया के गल कर रहे हैं, पाकिस्तान जी गुरबत है ना, ये किशा है, यह जो लोग खड़े ना, मैं जरा खुद बसा खुद मैं रेहड़ी लाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 1500-2000 रुपये दिहाड़ी कमाई थी, रब का शुक्र है। लेकिन बंदे का क्यों की है, ये लोग 100 कमाई सन 50 रुपये की 400 ले ली सन। हुकूमत को चाहिए इन आदमी का एक बार इलाज कराव, इन इलाज कराया जाए, इलाज तो बाद इन्होंने शनाख्ती कार्ड हो, जो इलाज बन जाए कभी काम से लगे दोबारा नशो करे, उस बंद वो हुकूमत काम करे कि बंद ने वैसे भी 15-20 साल उन्होंने बांध दे जाते, इस मुल्क की गुरबत हर शय खत्म हो जाती। जब मैं वजीर आला उस्मान बुजार को मिला था, जब मैं वजीर आला 400 कमाइंदे 400 इतने 400 खुद पी रहे, खुद कारण गुरबत कितू है, ये लोग करण मजदूरी आपकी हलाल की कमाई मां प्यो दे, एक घरों नाश्ते आ गए ने, मां प्यो तो ठुकराया लोग, इन्हों का होर कोई इलाज नहीं है। गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी 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 भाई जी, चरस कितू लवे, दिहाड़ी मिलती नहीं, मिलती नहीं किसी को, चरस कितू ले रहे ने मेरे वीर है, तू किन्ने तू तेन, एक मिनट मेरी गल सुन, मैं कितना दिन आया सी इत्थे लाहौर च ना दरबार ते सलाम कर, मेरी जेब कटी गई ना, मैं एक दिन काम किया, रात काम किया, 1200 रुपया बनिया, अज मेनू 5वां दे 1200 रुपया नहीं बन रहा, किधे गई, की होया? रेहड़ियां पीर मक्की से मैं रेहड़ियां लगाता था, रेहड़ी लगाता था, रेहड़ी लगाता था, तो चार मैं बने ना, चलो चार सौ पीवन वाले लोग उस दिन, मैं अज तकर 10 रुपए की नसवार नहीं रखी, ना कदी नसवार, ना पान, ना शराब, कोई चीज का मैं नशा नहीं करता। चलो बस कर रहे सब बाबे गरीबन पांडे ने, इन्होंने बेचारे दिहाड़ी नहीं लगती, चर्च कितों लवन दस, मैं तलाशी लवो, कम अज कम जो ज्यादा नहीं तो 20-25 बंदे को निकल सके, कम ही है नशा करते अपनी पैरवाई, तुम्हें भी करते ना अपनी, खुद मैं पीर मक्की में रेहड़ी लगा, जो लोग मैं मानता हूँ, चलो ये लोग आप मेरी, मैं कमाने लायक हूँ, मेरा कोई रोजगार नहीं, सिर्फ ऐसे ठोकरा खा रहे हैं। ये सूरत हाल आपने देखी है, और इस सारी सूरत हाल में ये जो पनाहगाह है इसे 2 महीने भी और लग जाएंगे, और ये जितने भी किरदार पनाहगाह के बाहर पनाह लिए बैठे हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, सोसाइटी को भी चाहिए कि अपना रोल प्ले करते हुए इन किरदारों को संवारे। फाज शहबाज खान को इजाजत दीजिए, हलन के पानी।